हैशटैग आज तक का शो का होस्ट हूँ। एक क्रिकेट रिलेटेड शो है जहाँ पे मैच का प्रीव्यू आता है, रिव्यू आता है, लाइव मैच कमेंट्री आती है। ये 20 जुलाई 2021 से लेके 20 जुलाई अभी चल रहा है वैसे शो, और अच्छा खासा चल रहा है। 1 साल पूरे हो चुके हैं, अभी दूसरा साल आने वाला है हमारे शो का। और जब शो की शुरुआत हुई थी मैंने नहीं सोचा था कि ये शो आगे जाएगा, और ये तो खैर आप लोगों का प्यार था, ऊपर वाले का साथ था कि ये शो बहुत आगे गया है। और एक्चुअली वजह क्या है शो के आगे बढ़ने की, देखिए वजह नंबर एक ये है कि कंसिस्टेंसी। कोई भी चीज़ आप जब चालू करते हैं ना शुरुआत में, तो उसको कंसिस्टेंटली करना पड़ता है, आपको उसके लिए समय देना पड़ता है। जब तक आप उसकी चीज़ के लिए समय नहीं देंगे ना, तब तक वो चीज़ आपके वो कंसिस्टेंसी में आएगी नहीं, और कंसिस्टेंसी जब तक नहीं आती ना किसी चीज़ में, तब तक आपको सक्सेस मिलता नहीं है। दूसरा ये कि जब भी शो थोड़ा डाउन रहता है ना, तो हिम्मत नहीं आनी है, अपने आप को खड़े करना है और बोलना है कि नहीं एक बार वापस से पढ़ेगा शो। ऐसा बहुत बार हुआ है, ऐसा जब पहली बार शो बढ़ने लगा था फरवरी का टाइम था 2022 में, तब लगातार बढ़ रहा था, मतलब 500 600 700 800 रोज़ के आ रहे थे। फिर एक बीच में टाइम आया कि बिल्कुल ख़त्म हो गए आना, पर फिर एक वापस से टाइम है जून के अंदर जहाँ पे 1,000 2,000 3,000 के आसपास रोज़ के आ रहे थे। तो ये एक्चुअली एक लाइफ साइकिल का टाइम पीरियड है, ये कभी ऊपर कभी नीचे होता रहता है, और आई मीन इसमें घबराने वाली बात नहीं है। इसे किस तरीके से आप अपने कंटेंट को और बेहतर कर सकते हो ये चीज़ आपको पता लगती है। देन जो मेरा शो का जो मेन जो ग्रोथ हुआ है वो इस वजह से हुआ है क्योंकि मैंने अपने शो में चेंजेस करते रहे, और शो में चेंजेस किए वो भी पॉजिटिव वे में। पहले हमारे जब 3 चीज़ आती थी, मैच का आई मीन दोनों ही टीमों का प्रॉबेबली प्लेइंग 11, देन स्ट्रेंथ और वीकनेस और साथ में प्रेडिक्शंस। फिर हमने धीरे धीरे टीम बनाना भी स्टार्ट करा, टीम देना शुरू किया, देन क्या क्या थ्रेट्स होने वाले हैं उसके अंदर वो भी हमने दिया, और फिर हमने एक्सचेंज की पिक्स भी देने लगे, तो उसके चलते थोड़ी सी रीच और ज़्यादा बेहतर हुई। तो जो पर्टिकुलरली हमने जो चेंजेस करते रहे समय समय पर, वो एक्चुअली चेंजेस जो है वो काफ़ी कामयाब हुए। और मैं यही कहूँगा कि जब आप स्टार्ट करते हैं ना, तो एक तो इसमें टाइम तो देना ही पड़ता है आपको कुछ ना कुछ, तो दूसरा ये कि किस तरीके से आप देते हैं टाइम, वो इम्पॉर्टेंट है। होता ये है कि कई बार पर्टिकुलरली टाइम जो होता है वो जो पब्लिक के सुनने का होता है वो एक पर्टिकुलर टाइम पे होता है, और अगर आप उस टाइम के बाद रिकॉर्ड करके पब्लिश कर रहे हैं तो फिर उसमें दिक्कत आती है, फिर वो रीच थोड़ी सी कम होती है। तो वो भी आपको समझना ज़रूरी है कि कहाँ और कितने बजे आपकी पब्लिक जो है वो आपको सुन रही है, और दूसरा ये कि मेजॉरिटी ऑफ पब्लिक क्या आपकी लैंग्वेज समझ पा रही है कि नहीं। अभी जैसे हम अपने शो के अंदर थोड़े से चेंजेस करने वाले हैं, थोड़ा सा हमारी साउथ की साइड में भी पब्लिक बोलती है कि आप थोड़ा सा डब्ड लैंग्वेज लेके आइए, तो हम उसमें प्रयास कर रहे हैं कि डब्ड किस तरीके से करें, साथ ही में और भी कुछ और काम कर सकते हैं हम, अलग अलग लैंग्वेजेस में हम लेके आना चाहते हैं हमारे शो को, जिससे कि रीच जो है वो और ज़्यादा बेहतर नज़र आती है। तो मैं यही कहूँगा कि हमारा जो शो जब शुरुआत किया था 0 एपिसोड से, अब 340 एपिसोड पहुँच चुका है। मीन जब पहला 100 हुआ था आईपीएल का मैच चल रहा था, दूसरा 200 जो हुआ एपिसोड वो इंडिया वर्सेस पाकिस्तान के मैच का प्रीव्यू था जो वर्ल्ड कप अभी हुआ था, और जब 300 वाला एपिसोड चेन्नई वर्सेस गुजरात टाइटंस के फर्स्ट मैच का आईपीएल का वो था, और अब देख सकते 334 पहुँच गया हमारे शो का, और 143,000 के ऊपर हो गए, अभी भी चल रहा है। और ये तो खैर आप लोगों का प्यार है जिसकी वजह से शो चला है हमारा। तो बेसिकली हमारा जो शो है वो इन पब्लिक की वजह से चला है, और हमने पब्लिक का ध्यान रखते हुए वो नई नई चीज़ें ऐड ऑन की है। तो ये भी चीज़ ध्यान रखनी है कि अगर अपने आप को कुछ इम्प्रूव करना है ना, तो जो आपके शो की पब्लिक है वो क्या चाहती है वो इम्पोर्टेंट रहता है, और कभी भी अपने शो की पब्लिक को ना वो इग्नोर ना करे, दैट्स व्हाट। नहीं तो अगर शो की पब्लिक को इग्नोर करने लग गए ना, फिर पब्लिक आपको इग्नोर करने लग जाएगी।